आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने पर्सनल फोल्डर को लॉक कर सकते हैं अपने पासवर्ड से। आपको जो भी पासवर्ड रखना हो वो आप कैसे रख सकते हैं। कोई भी आपका फोल्डर जब ओपन करने जाएगा तो उसको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो मेरा नाम है रौनक और आप देख रहे हैं मेरी चैनल अबाउट कंप्यूटर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो उसके लिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना के जिसको हम पासवर्ड सेट करेंगे, तो उसका नाम टेस्ट रखते हैं। ये रहा टेस्ट नाम का फोल्डर। तो उसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू में जाके एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा। इस नोटपैड की फाइल में आपको मैं एक कोड देता हूँ जो इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वो कोड है, ये है, आप देख सकते हैं। तो इसको कॉपी करके आपको वो जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया उसके अंदर इसको कॉपी करना है और पेस्ट करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है। फिर जाके फाइल में आपको यहाँ पे सेव एज में जाके आपको इसका नाम चेंज करना होगा, जिसका नाम सिर्फ यही आप रख सकते हैं जो मैं अभी रख रहा हूँ, लॉकर। लॉकर अब इसको हम बैच फाइल में सेव करेंगे .bat से। यहाँ पे आप लास्ट में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो लिख रहे हैं यहाँ पे आपको ऑल फाइल्स कर देना है और इस नाम से ही आपको उसको सेव करना होगा। तो सेव कर देंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बैच फाइल कहाँ पे क्रिएट हुई। तो यहाँ पे आप जाएंगे टेक्स्ट फोल्डर में, तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे लॉकर नाम की बैच फाइल क्रिएट हो गई और ये हमारा जो डॉक्यूमेंट था अब उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो अब ये काम कैसे करता है कि ये लॉकर को हम डबल क्लिक करेंगे तो ऐसा एक प्राइवेट नाम का फोल्डर आपको मिल जाएगा। तो इस फोल्डर पे हम अब लॉक करेंगे। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप लॉक करना है। तो पहले तो हम इस प्राइवेट में हम कुछ अपना डेटा डाल देते हैं, जैसे कि ये स्क्रीनशॉट है, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ उसमें। यहाँ पे उसको मैंने कॉपी कर दिया। अब ये लॉकर नाम की जो बैच फाइल है उसमें जाके आप यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पे ऐसा एक मिल जाएगा कि पासवर्ड गोज़ हियर। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको हम डिलीट कर देना है और आपको जो भी पासवर्ड अपना रखना हो फोल्डर का वो आप पहले रख लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरी चैनल का नाम अबाउट कंप्यूटर, तो ये मैंने रख दिया और इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू लॉक द फोल्डर। तो आपको अगर लॉक करवाना है तो आप वाई दबाइए, अगर नहीं करवाना है तो आप एन दबा सकते हैं। वाई दबाया मैंने, फिर आपको एंटर मारना है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइवेट नाम का फोल्डर आपका हाइड हो गया। अब उसको हम कैसे वापस ला सकते हैं, अगर मैं फिर से यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो एक मैसेज आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए एंटर पासवर्ड टू अनलॉक फोल्डर। तो हमारा जो पासवर्ड क्या था अबाउट कंप्यूटर का, तब मैं वो डालता हूँ अबाउट कंप्यूटर। तो ये मैंने हमारा पासवर्ड डाल दिया, अब एंटर करेंगे तो वो प्राइवेट नाम का फोल्डर वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्राइवेट नाम के फोल्डर को आप लॉक दे सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये लॉकर लॉकर बैच फाइल को किसी ने डिलीट कर दिया तो हमारा सारा डेटा गायब हो जाएगा और हमें कभी मिलेगा नहीं, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप वो कैसे इसको हम कैसे हाइड करेंगे जिसके जिसके कारण किसी को ये लॉकर मिलेगा भी नहीं और कोई डिलीट भी नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आपको, वैसे तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है इसलिए,
आप वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे उसको हम हाइड करेंगे। तो उसके लिए हमको पहले कमांड प्रॉम्प्ट खोलना होगा। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद ये फाइल टेस्ट फोल्डर हमारे डेस्कटॉप पे है, तो पहले तो हम डेस्कटॉप में एंटर हो जाएंगे, सीडी डेस्कटॉप एंटर करेंगे, उसमें हम जाएंगे टेस्ट फोल्डर में, तो सीडी टेस्ट। टेस्ट में जाने के बाद हमारा हमारी बैच फाइल का नाम क्या है, लॉकर। तो अब मैं जो कोड लिखता हूँ वो आपको लिखने का है, AttrIB एट्रिप स्पेस प्लस H स्पेस प्लस S स्पेस प्लस R। और बाद में आपको लिखना है जो बैच फाइल हमें हाइड करनी है उसका पूरा नाम, उसका नाम है लॉकर, लॉकर डॉट BAT। यहाँ पे BAT इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि अगर मैं सिर्फ लॉकर लिखूँगा तो वो हाइड नहीं होगा, ये बैच फाइल है इसके लिए BAT उस लिखना होगा। तो इतना लिख के अब एंटर करेंगे, तो हम अब चेक करते हैं कि टेस्ट में, तो ये देखिए दोस्तों टेस्ट के फोल्डर में लॉकर नाम की बैच फाइल गायब हो गई। तब कोई भी इसको चेक नहीं, डिलीट भी नहीं कर पाएगा, देख भी नहीं पाएगा। तब इसको अनहाइड कैसे करेंगे, जैसे ही हमने ये कोड लिखा सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह आगे माइनस लिखना है, माइनस लिखने के बाद हम एंटर करेंगे। तो आप, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों टेस्ट नाम के फोल्डर में फिर से लॉकर आ गया। अब यहाँ पे फिर से डबल क्लिक करेंगे तो फिर से आपको पासवर्ड डालना होगा, जो हमारे फोल्डर का पासवर्ड क्या था, अबाउट कंप्यूटर, अबाउट कंप्यूटर एंटर करेंगे तो हमारे प्राइवेट नाम का फोल्डर वापस आ गया और ये हमारा डेटा भी आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी फोल्डर को पासवर्ड दे सकते हैं और उसको लॉक कर सकते हैं, और जो बेस फाइल है उसको भी मैं हाइड करना मैंने आपको सिखा दिया। एक और वीडियो है हाइड हाइड का, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये बेस फाइल की जो कोडिंग है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।